अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं अचारी लोबिया। बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा आप, और बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें पहले लोबिया को उबाल लेना है। ठीक, ये हमने पैन में ऑयल डाला, ऑयल गरम हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, कलौंजी और मेथी। ठीक है, ये कलौंजी और मेथी जो है ना, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी लेनी है, ज़्यादा नहीं। आधी चम्मच जीरा है और आधी से कम चम्मच कलौंजी और ये मेथी। ये थोड़ा सा हो जाए तो इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज डाला। जब तक ये प्याज ब्राउन होता है, हम अपने जो की तैयारी करते हैं। हमारा ब्राउन हो गया, अब हमने इसमें लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया। इसके साथ ही हमने ये मसाले, एक चम्मच लाल मिर्ची, नमक और आधी चम्मच हल्दी, ये हमने बीच में शामिल कर दिया। सही, इसमें हमने ज़रा सा पानी डालना है एक दो, ताकि हमारा मसाला गले ना। ये ज़रा सा हमने पानी डाला और अब हम मसाला भून लेंगे ताकि ये आयल छोड़ दे। आयल छोड़ने तक हमने मसाले को भूनना, फिर आग पे छोड़ दिया मसाला, जब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। ये देखें, मसाला आयल छोड़ने लग गया। अब हमने ये लोबिया जो बॉयल करके रखा हुआ है, ये इसमें हमने शामिल कर दिया। थोड़ा सा लोबिया डालने के बाद उसको मसाले में मिक्स किया। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला इसमें जज्ब हो जाए। खोल के चेक किया, ये हमारे लोबिया तैयार होने वाला है। अब हमने इसमें इमली का 2 से 3 चम्मच इमली का पानी निकाल के रखा, और ये खटास के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अचार ही बना रहे इसलिए। ये हरी मिर्ची और टमाटर काट के हमने रखे हैं, जो इसके ऊपर हम डाल देंगे। सही, और इसकी हल्की आग करके इसका ढक्कन बंद, इसको 5 मिनट के बाद हम खोलेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से हमारा मैश हो जाए। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाने के बाद ये देखें, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं, गल गए हमारे टमाटर, मैश नहीं हुए, गल गए हैं, ये देखा है आपने। अब बस हम ऑयल इसने छोड़ना है और ये बिल्कुल तैयार है, रेडी अचारी लोबिया। या अब इस पर गार्निश कर देंगे। ये थोड़ा सा धनिया डाला, हरी मिर्ची तो हम पहले ही टमाटर के साथ डाल चुके थे। थोड़ा सा ये हमारा अब मज़ेदार लोबिया, अचारी लोबिया तैयार है। आप इसे ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।